देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनोमी पर जिला व मंडल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को खंड शिक्षा अधिकारी व ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया सम्मानित। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम प्रधान दुलारी देवी ने किया। विजेता छात्र छात्राओं को खंड शिक्षा अधिकारी घनेन्द्र पाल सिंह के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया एवं बच्चों को निःशुल्क स्वेटर वितरण भी किए गए। इस अवसर पर बच्चों ने बड़े ही मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में आई हुई अतिथियों का स्वागत सम्मान पीटीआई सुरेंद्र पाल व अनिल यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधानपति राजेंद्र सिंह, प्रधान अध्यापक हरिओम सिंह, सुरेंद्र सिंह, राम प्रकाश यादव, अरविंद सिंह, पुष्पराज सिंह, दिगंबर सिंह एवं एसएमसी अध्यक्ष प्रकाश आदि व ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसके बाद दूसरी कड़ी में ग्राम प्रधान जी एवं सभी सम्मानित ग्रामवासियों, मेरे सभी सबोर्डिनेट टीचर, बच्चों, मैं घनेन्द्र पाल सिंह खंड शिक्षा अधिकारी आपको यहाँ मेरे इंतजार में बहुत देर तक बैठना पड़ा। खास तौर से जो भी सम्मानित ग्रामवासी गण ग्राम प्रधान जी यहाँ पर मेरी इंतजार करते रहे उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं उधर उस साइड में था, अतरौली साइड में, क्या है वो इस्माइलपुर पुरैनी, उस साइड में मैं निरीक्षण कर रहा था। उधर से यहाँ तक आने में मैं थोड़ा विलम्ब हो गया। रास्ते में अभी मलसई से निकलने के बाद मेरी गाड़ी का भी थोड़ा फॉल्ट आ गया उसमें, वो उसके लिए भी मुझे 5-7 मिनट जो है वहाँ रुक करके उसकी मरम्मत करनी पड़ी। तो बहुत हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई, आपने मेरा इंतजार किया यहाँ पर, और सभी बच्चों को बहुत बधाई मेरी तरफ से जो खेले। आज शासन की मंशा के अनुरूप आज हमारे विद्यालय में जो गर्म सर्दी आने वाली है उनके लिए बच्चों के लिए स्वेटर का वितरण किया गया, जो वितरण के लिए हमारे ग्राम प्रधान महोदय श्रीमती दुलारी देवी जी और प्रधानपति श्री राजेंद्र सिंह जी और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री घनेन्द्र पाल सिंह जी ने यहाँ आकर के हमारे जो हमारा मनोबल बढ़ाया है, हमारे बच्चों को जो उत्साह वर्धन किया है वो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे बच्चों ने भी जो एक एक पीटीआई के संरक्षण में या पीटीआई के जो मार्ग निर्देशन में जो जिले पर जाकर के जो प्रतियोगिता में जो कामयाबी हासिल की, जो उसमें प्रतियोगिताओं में सफल हुए हैं उनके लिए मैं बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि आगे भी वो यही जिजीविषा बनाए रखेंगे, यही उनका आत्मसम्मान बना रहे। और मैं अपने पीटीआई महोदय से भी ये निवेदन करूंगा कि वो बच्चों का इसी तरह से मनोबल बढ़ाते रहें और मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।